हाय एवरीवन। और आज हम लोग फिजियोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे, और उस मतलब टॉपिक है बीपी रेगुलेशन। ओके, बीपी रेगुलेशन मींस बीपी कैसे रेगुलेट करती है, कैसे उसको बॉडी हमारी जो है मतलब बॉडी कैसे उसको, अगर हाई बीपी है तो कैसे लो करता है, लो है तो कैसे हाई करता है। ओके, तो हम बीपी को देखेंगे कि कैसे उसको बॉडी कंट्रोल करती है। ओके, तो सबसे पहला चीज़ कि बीपी जब आता है दिमाग में कि बीपी, सबसे पहला चीज़ कि बीपी होता क्या है। ओके, सबसे पहली चीज़ हम समझेंगे कि बीपी होता क्या है। बीपी ब्लड प्रेशर। ओके, ब्लड प्रेशर जो होता है वो जैसे कि ये वेसल्स हैं। ओके, ठीक, तो ब्लड जो प्रेशर कितना लगा रही है, पहला चीज़ एक कोर कंसेप्ट यही दिमाग में आता है। ओके, और पहली चीज़, लेकिन अगर हम मेडिकल टर्म में बात करें इसको, तो हम बोलेंगे कि बीपी जो होता है वो प्रोडक्ट होता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड कार्डियक आउटपुट के। ओके, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड कार्डियक आउटपुट के। ओके, अब बोलेंगे कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है। ओके, हम बताएंगे आपको कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या हुआ कि जैसे कि ये वेसल्स हैं, ठीक, जो कोर कंसेप्ट था अभी जो बात की वही है, बट हम मेडिकल टर्म में मीन्स एक प्रोफेशनल टाइप में हम सीखने की कोशिश करेंगे मीन्स एक्चुअल मीन क्या है। ओके, तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो है इंटायर जो सिमेट्रिक रेजिस्टेंस है, मीन्स ये वेसल्स है, ठीक है, इसके टोटल रेजिस्टेंस। ओके, इसको मेजर आप कैसे करेंगे, इसको मेजर करेंगे फ्लो से, ठीक, इसको इसके प्रेशर से। ओके, तो इसके वजह इसके फ्लो और प्रेशर से मेजर करेंगे कितना टोटल इसके रेजिस्टेंस है इंटायर सिमेट्रिक वेल्स्योर पे। ओके, इसको बोलेंगे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। सेकंड चीज़ क्या, कार्डियक आउटपुट। एक्चुअली कार्डियक आउटपुट एक्चुअली ये बेसिक हीमोडायनेमिक्स वाला कंसेप्ट है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर दे रहा हूँ जिसके वजह से आगे जब मैं बताऊँ तो अच्छे से समझ में आए। अब बात आती है कि कार्डियक आउटपुट क्या है। कार्डियक आउटपुट जो होता है वो हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ये भी मैं न्यूमेरिकल टर्म में ही बता रहा हूँ, अभी बताऊँगा कार्डियक आउटपुट क्या है। इसको बोलते हैं क्या कि ब्लड इंजेक्टेड पर यूनिट, पर मतलब पर यूनिट में वॉल्यूम इंजेक्टेड पर यूनिट। ओके, मींस पर यूनिट टाइम में, ठीक, तो टाइम क्या, मिनट, पर मिनट में कितना वॉल्यूम इंजेक्ट हुआ, ठीक, इसको हम बोलेंगे इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट क्या, हार्ट बीट अपना जो होता है। ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट, ये थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं बहुत लोग, तो ओके मैं क्लियर कर दूं, कार्डियक वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है, ये स्ट्रोक वॉल्यूम है ये पर बीट पे है, क्या है ये वन बीट पे है, ठीक, और ये क्या है, ये टोटल टोटल वॉल्यूम इंजेक्टेड, क्या टोटल वॉल्यूम इंजेक्टेड, ठीक, पर मिनट। ओके, तो अब क्या बोलेंगे, इसीलिए हम इसमें क्या कर देते हैं, हार्ट रेट मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट है, जैसे कि वी इज इक्वल टू आई आर। ओके, स्पीड टाइम और डिस्टेंस वाला रिलेशन, सेम चीज़ यहाँ कंसेप्ट लगाना है। ओके, तो ये चीज़ हुआ एक बेसिक कंसेप्ट बीपी का। ओके, पहली चीज़ क्लियर हुआ बीपी। अब बात आती है कि ठीक है बीपी समझ में आया, तो अब बीपी को कैसे बॉडी मतलब बॉडी को कैसे मालूम चलती है कि बीपी इंक्रीज हुआ। ओके, मतलब बीपी इंक्रीज हुआ अब इसको हम बॉडी हमारी कम करेगा, और कैसे उसको मालूम चला बीपी लो हुआ, तो इसके लिए होते हैं बैरोरिसेप्टर्स। क्या होते हैं बैरोरिसेप्टर्स, बैरोरिसेप्टर्स होते कहाँ हैं ये, मतलब अरे आपने पढ़ा होगा वो मतलब वॉल ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ओके, मतलब यहाँ पे ये होते हैं, तो मतलब बहुत से हैं, मतलब आर्च पे ये जैसे ग्रेट ये रोटा है। ओके, यहाँ से सब क्लेविन जाता है। ओके, यहाँ पे ऐसे होते हैं। ओके, तो ये हो गए बैरोरिसेप्टर्स। तो अब आते हैं बैरोरिसेप्टर्स हो गए कहाँ पे होते हैं, अब ये मेन जो सेंट्रल जो न्यूरल कंट्रोल सिस्टम होता है सेंटर पे कहाँ पे, ये मेडुला में होता है। कहाँ पे, मेडुला, उसके तो रिसेप्टर हुए बता दिया, और सेंटर का मेडुला, मेडुला में अब ये पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स लो बीपी हाई बीपी पे कैसे कंट्रोल करते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, ये वेंट्रोलेटरल साइड में। ओके, मेडुला के वेंट्रोलेटरल साइड में। ओके, बीपी अप और डाउन पे कंट्रोल करता है। एक्चुअली हमारी बॉडी जो है मतलब दो तरीके से कंट्रोल कोऑर्डिनेट होती है, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट मैकेनिज्म है
फर्स्ट मैकेनिज्म है न्यूरल कंट्रोल, ओके, दूसरा इंडोक्राइन कंट्रोल, ओके। तो न्यूरल कंट्रोल में बीपी को रेगुलेट करता है ठीक एनएस वाला पार्ट। एनएस वाला मीन्स क्या? ऑटोनोमिक फीडबैक कंट्रोल, ठीक। आई क्या बोलेंगे, इंडोक्राइन मीन्स क्या? हार्मोनल फीडबैक कंट्रोल, ओके। दो कंट्रोल सिस्टम है बीपी के लिए, एक ऑटोनोमिक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, एक हार्मोनल फीडबैक सिस्टम, ओके। अब देखिए रिसेप्टर पहले यहाँ से आते हैं, बीपी हम समझ गए बीपी क्या होता है, देन हम समझ गए बीपी अब कैसे हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है। रिसेप्टर्स होते हैं, बैरो सेंटर होते हैं, बैरो मीन्स प्रेशर सिस्टम्स होते हैं ठीक, मेडुला में होता है। अब बात आती है कि कैसे कंट्रोल करी है, समझ तो बॉडी गई कि हाँ बीपी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, अब उसको कैसे कंट्रोल किया करता है। तो दो कंट्रोल सिस्टम है, इंडोक्राइन बेस्ट, एक्चुअली बेस्ट एग्जाम्पल है बीपी, मीन्स दोनों का कोऑर्डिनेशन है जबरदस्त, ओके। तो न्यूरल कंट्रोल जो होता है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक फीडबैक सिस्टम, मीन्स एनएस वाला पार्ट ठीक, और दूसरा पार्ट क्या, हार्मोनल फीडबैक सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, ओके। दो सिस्टम होता है। तो ऑटोनॉमिक में हम जानते हैं दो हम लोग पढ़े हैं ऑटोनॉमिक में, बताइए पैरासिम्पैथेटिक क्या ठीक, और एक बोलते हैं क्या सिंपैथेटिक सिस्टम। दो सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम। थोड़ा सा यहाँ पे मैं फोकस करूँगा क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक क्लियर होगा तभी आगे समझ में आएगा, तो यहाँ पे भी मैं एकदम बेसिक कंसेप्ट बताऊँगा। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक दो सिस्टम होते हैं, इसके लिए सिंपैथेटिक एक्चुअली देखिए सिंपैथेटिक जो है वो सिंपैथेटिक सिंपैथी देना, ओके। तो ये होता है दुख का साथी, दुख का साथी, और ये क्या होता है सुख का साथी ठीक। अगर डॉग एक मैन को, कुत्ता एक आदमी को दौड़ाता है ठीक, तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम वाला सीन होगा, ओके। और पैरासिम्पैथेटिक क्या, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, ओके ठीक, यानी सुख में ठीक है। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं, बॉयफ्रेंड के साथ रहते हैं ठीक, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी वाला सीन होगा यहाँ पे, ओके। अब देखिए कैसे, अब हमको क्या करना है, ये स्टोरी समझ गए ठीक है, अभी इसका यूज करूँगा देखना कैसे, ओके। अब आते हैं यहाँ पे बीपी लो है, ओके। दो केस होगा बॉडी में, या तो बीपी लो होगी या तो बीपी हाई होगी, ओके। तो अब हम देखेंगे कि लो बीपी में, अगर लो बीपी है तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी ठीक है। तो लो बीपी में अगर आप जैसे सपोज डैट गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, आप एकदम नॉर्मल स्टेज में होते हैं ना, मीन्स ऐसा नहीं कि मतलब कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी काम करती है, ओके। तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी नॉर्मल, आप नॉर्मल होते हैं, तो बीपी लो है तो हमको क्या करना है, बीपी इंक्रीज करना है ठीक है। तो नॉर्मल से हमको, लो से हमको थोड़ा नॉर्मल स्टेट में यानी हाई करना है, तो हम क्या करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल तो रहना नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे, हमको क्या करना है इंक्रीज करना है, यानी एक्टिविटी इसको क्या करेंगे डिक्रीज कर देंगे, मीन्स क्या बोलेंगे पैरा एक्टिविटी डिक्रीजेज। और ये कैसे होगा, वेगस नर्व वाला सिस्टम आप याद होगा, पैरासिम्पैथेटिक हार्ट पे वो जाता है, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या, यानी वेगल एक्टिविटी डिक्रीजेज। वेगल एक्टिविटी डिक्रीज होने से क्या होगा, रिसेप्टर आप बताइए कौन सा होता है, सोचिए अपने दिमाग में, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ओके। वेगल एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो हार्ट रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हुआ, तो आप देखिए ये कंसेप्ट लाइए, हार्ट रेट इंक्रीज हुआ ओके, उसके वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ ठीक, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो बीपी इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स यहाँ पे बीपी लो था तो हमको हाई करना था, तो इसके वजह से अब बीपी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ओके। अब आते हैं क्या कि लो बीपी है, अब हम बोलेंगे सिंपैथेटिक एक्टिविटी कैसे करती है लो बीपी पे ठीक। तो इसके लिए बोलेंगे, अब देखिए कुत्ता दौड़ाता है आदमी को, ओके, तो जाहिर सी बात है हमारी फट जाती है, तो क्या फटती कैसे है, तो सुनिए, तो बीपी लो, बीपी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, हार्ट रेट हाई हो जाता है, बीपी बोलते हैं ना हाई बीपी हो गया, मींस इमरजेंसी के टाइम, ओके। तो हम इसको क्या बोलेंगे, यानी लो बीपी था इंक्रीज करना था, तो फेवरेबल कंडीशन है, मींस हमको इंक्रीज अप करना होगा, यानी सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीजेज, ओके। कैसे, इंक्रीज वेजो कंस्ट्रिक्शन ठीक, कैसे, इंक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जिसके वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, फिर फार्मूले में आ जाइए, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ तो बीपी इंक्रीज हो गई, क्लियर बात, बहुत अच्छे से। अब आते हैं बात हाई बीपी पे, यानी कोई पेशेंट है हाई बीपी वाला है, तो अब क्या करेंगे, अब
हाई है तो उसको कहेंगे भैया इसको नॉर्मल करो, ओके, नहीं तो ये निपट जाएगा, हाइपरटेंशन वाली सीन होगी, ठीक है, हाई काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होने लगता है हाइपरटेंशन में, ठीक है, तो और कई ऑर्गन डैमेज भी होने के चांसेस होते हैं, ओके, तो हाई बीपी हुआ तो अब बोलेंगे कि इसको अब नॉर्मल करना है, लो करना है, तो हम क्या बोलेंगे, हम अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहते थे, बॉयफ्रेंड के साथ रहते थे, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी वाला सीन रहेगा, यानी हम क्या बोलेंगे, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट, ओके, जिसके वजह से क्या, वेगल एक्टिविटी इंक्रीज, अब वेगल एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, डिक्रीज हार्ट रेट, ठीक, ये पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करता है, अब बताना मस्कुरेनिक रिसेप्टर की कौन सा है, अब ये सोचना मैं यहाँ पे भी बता सकता था, बताऊँगा या नहीं, ठीक है, आप सोचिए, तो डिक्रीज हार्ट रेट, ओके, डिक्रीज हार्ट रेट किया मीन्स इसको क्या बोल दिया, ब्रैकिकार्डिया, क्लियर, ठीक, तो ब्रैकिकार्डिया, हार्ट रेट डिक्रीज हुआ, आप देखिए अगर हार्ट रेट डिक्रीज हुआ, यहाँ पे देखिए हार्ट रेट डिक्रीज, जिसके वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज तो बीपी डिक्रीज, इज इट क्लियर, तो हमको बीपी डिक्रीज करना ही था क्योंकि बहुत हाई बीपी था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीपी डिक्रीज, यानी नॉर्मल स्टेज डिक्रीज मीन्स नॉर्मल स्टेज, अब आते हैं हाई बीपी है तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी अब क्या करेगा, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी वो डिक्रीज होगी, ओके, क्योंकि हमको लो बीपी करना है, अब ये डॉग मैन के तरफ ज़्यादा सिंपैथेटिक एक्टिविटी हो, अब इसको एक्टिवेट नहीं करना है, ये इमरजेंसी वाली कंडीशन नहीं लाना है, ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज है, जिसके वजह से हार्ट रेट डिक्रीज है, इसकी वजह से फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डिक्रीज है, जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज वेजो कंस्ट्रिक्शन मीन्स इसका टोटल आउटपुट क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट जो होगा डिक्रीज और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज, दोनों डिक्रीज, अब आ जाइए यहाँ पे फार्मूले पे, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी डिक्रीज, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज, बीपी भी डिक्रीज होगा, ओके, अब आते हैं बात कि ये रहा मेरा तो न्यूरल कंट्रोल, कौन सा कंट्रोल, न्यूरॉन का, अब आते हैं हार्मोन फीडबैक कंट्रोल, यानी इंडोक्राइन कंट्रोल सिस्टम कैसे करता है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या मेरे को सीखना है, ये एक्टिवेट होगा हमेशा लो बीपी पे, ये ध्यान रखिए हमेशा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर बीपी डिक्रीज होगी, ठीक, लो बीपी होगी तब डेफिनेटली और कोई सिस्टम एक्टिवेट हो या ना हो, मीन्स होगा यही, यानी हार्मोनल, यानी इंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल सिस्टम, यानी हार्मोनल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जाएगा, ओके, लो बीपी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लोग लो बीपी पे न्यूरल कंट्रोल भी करते हैं, सिस्टम लगाते हैं, ओके, तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा कंसेप्ट है, रास साइकिल हम जानते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, वो वाली सिस्टम एक्टिवेट होगी, अब देखिए कैसे एक्टिवेट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, इसको बोल देंगे रास साइकिल, ठीक, मतलब रास साइकिल पूरा डिस्क्राइब नहीं करूँगा बट हाँ बीपी वाला कंसेप्ट पूरा बताऊँगा, ओके, तो अब बात आती है कि ये जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी हम जो किए थे इंक्रीज ना, यहाँ पे एक कंसेप्ट है, ये अभी बताऊँगा, ये न्यूरल कंट्रोल कैसे इंडोक्राइन को, ये बीटा वन रिसेप्टर्स होते हैं, ये एक्टिवेट करती है सिंपैथेटिक, इंक्रीज करेगी क्या, सिंपैथेटिक टोन, ठीक, इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से रास साइकिल एक्टिवेट होता है, ठीक, एक्चुअली तीन चीज़ पे इंपॉर्टेंट रास का एक्टिवेशन है, सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज होना, ठीक, एक जो होता है कि डिक्रीज NaCl डिलीवरी, ओके, और एक लो बीपी, जो हम लो बीपी वाली अभी बात डिस्कस करेंगे, ओके, लो बीपी वाली हम इस पे नहीं जाना है, हम लोग को लो बीपी वाले कंसेप्ट पे जाना है, ओके, अब देखिए लो बीपी हुआ तो एक होता है जेजी सेल, क्या, कौन सा सेल भाई, जेजी सेल, अब बात आती है ये जेजी सेल होता कहाँ है, ठीक, अब मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इनाट आएगा यहाँ पे अब, ठीक, एक्चुअली फिजियोलॉजी पूरा क्या बोलते हैं, फार्मा भी आएगा उसमें, पैथो भी आ जाता है, मीन्स एकदम बीच का सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी, इनाट भी आएगा, ठीक है, तब आप कुछ कर पाएंगे, ओके, सब कुछ आना चाहिए तब आपको समझ में आएगा अच्छे से, तो ये हुआ मेरा, ठीक, मे बी आप समझ रहे होंगे मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पे, ओके, समझ में आया, ये हुआ मेरा कौन सा एफरेंट, ये कौन सा हुआ एफरेंट, ओके, और यहाँ पे हुआ एफरेंट के पास में क्या जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होता है, ओके, और ये क्या है, ये है आपका मैकुला डेंसा, एक्चुअली ये DCT है ना,
डिस्टल रिनल, डिस्टल रिनल टिब्यूल। ओके, तो डिस्टल रिनल टिब्यूल से इसके सोल्स जो है ये मेकुला डेंसा हो गया। ओके, मेकुला डेंसा और जो एफरेंट, ये ध्यान रखिए एफरेंट, ठीक, के बीच में यहाँ पे ठीक सेल्स होते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक, जेजी सेल्स। अब ये जेजी सेल्स क्या होता है, सिक्रीट करता है क्या, जेजी सेल्स क्या सिक्रीट करता है, रेनिन। कौन सा रेनिन, आर ई एन आई एन, ये वाला रेनिन, ठीक, वो स्टमक वाला नहीं, ठीक। अब देखिए ये रेनिन क्या काम करेगा, ये रेनिन काम करेगा जो एंजियोटेंसिनोजन होता है, ओके, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक, इसको चेंज करता है एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में, ओके। अब भाई कैसे और क्यों और ये कहाँ से आ गया, एंजियोटेंसिन कहाँ से आ गया, इसको सिक्रीट किया लीवर ने, कौन सा भाई, लीवर भाई, ठीक, ये लीवर भाई सिक्रीट किए एंजियोटेंसिनोजन, इसको चेंज किया, प्रोटीन है, इसको चेंज किया, चेंज किया रेनिन ने किस में, एंजियोटेंसिनोजन वन में, ओके। अब जो एंजियोटेंसिन वन है ये चेंज हुआ एंजियोटेंसिन सेकेंड में, ओके। अब क्यों सेकेंड में, एक्चुअली रिसेप्टर से बात होती है, ज़्यादा रिसेप्टर एंजियोटेंसिन सेकेंड के हैं, इसलिए कई मतलब कई सारे हैं, तो फोर्थ आ गया एंजियोटेंसिन, वन टू थ्री फोर, कई सारे हैं, सेकेंड के हम मिलने तक रुकेंगे और सेकेंड की बात करेंगे, सेकेंड के रिसेप्टर हैं अपने काम वाले, ओके। तो एंजियोटेंसिन वन चेंज हुआ, एंजियोटेंसिन टू में कौन चेंज किया, जाहिर सी बात है एंजियोटेंसिन कन्वर्ट हुआ है ना, मीन्स इसी को कन्वर्ट करने वाला कोई एंजाइम होगा ना, तो इसको बोलेंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE, ACE कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन वन से एंजियोटेंसिन टू में। अब ACE, आप पूछेंगे ACE कहाँ से आया, भैया ACE आया किडनी से या लंग से, ठीक, लंग से, ठीक, एक्चुअली प्यूरल वाला है, ठीक, और ये किडनी, ओके, चलिए। तो ACE वहाँ से, एक्चुअली इसके दो फंक्शन है, एक तो कन्वर्ट करना एंजियोटेंसिन वन से टू, और दूसरा फंक्शन मैं बता देता हूँ, इसे यहाँ का वहाँ पे यहाँ पे काम नहीं है, इसका काम होता है ब्रेडीकाइनिन ब्रेकडाउन, ओके, ब्रेडीकाइनिन ब्रेकडाउन करता है, ठीक, ये थोड़ा सा पैथोलॉजी में भी आप समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट यहाँ पे, ओके। तो ये कर दिया, अब जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है, एंजियोटेंसिन सेकेंड है, अब ये एक्ट करेगा ऑर्गन पे, मेन हमारा ये था। अब जाहिर सी बात है आपने वो लिगेंड एंड लाइगेंड एंड रिसेप्टर का रिलेशन समझे होंगे, ठीक, तो अब ये है, इसके लिए अब रिसेप्टर चाहिए, तो इसके लिए बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन वन, एंजियोटेंसिनोजन टू, इसके दो रिसेप्टर्स हैं, एक्चुअली फार्मा में ये सब पढ़ेंगे, एंजियोटेंसिन वन टू थ्री फोर एंड इनके रिसेप्टर 81 82, के डी में बहुत अच्छे से दिया है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो अब आते हैं इसके रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ के हैं एंजियोटेंसिन वन के, फर्स्ट रिसेप्टर हम एक्चुअली ब्लड प्रेशर को ध्यान में रखते हुए हम बताएंगे, फर्स्ट क्या है, ठीक, ब्लड वेसल्स, फर्स्ट क्या है, ब्लड वेसल्स, ठीक, ब्लड वेसल्स इसके क्या है, 81 रिसेप्टर्स, ओके, ये क्या क्या ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट किया, वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन, ओके, जिसके वजह से क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्ट होगा मीन्स बीपी इंक्रीज हो जाएगी, बीपी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए हम कब इंडोक्राइन सिस्टम इंक्रीज कर रहे थे, देखिए बार बार इसको देखिए, लो बीपी पे, किस पे, लो बीपी पे, लो बीपी पे, मींस हमको इंक्रीज करना था, मींस बीपी इंक्रीज करना था, हो चुका है वेजो कंस्ट्रिक्शन के वजह से, ओके। दूसरा सिस्टम है, दूसरा रिसेप्टर्स इसके हैं, बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, कहाँ पे, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे हैं रिसेप्टर्स, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स सब करता क्या है, ठीक, अब देखिए भाई एड्रिनल ग्लैंड, ओके, एड्रिनल कॉर्टेक्स करता क्या है, इसके दो काम है, ठीक, मेनली हम एक्चुअली फोकस करेंगे बीपी वाले पे ही, मेन ये सिक्रीट करता है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ठीक, एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, रिटेन सोडियम एंड वाटर, ये सोडियम रिटेन कहाँ करता है, ये करता है जो प्रिंसिपल सेल्स होता है उसका डिस्टल का, ओके, वहाँ पे, ओके, तो ये अब एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म बता देता हूँ, NaCl ऐसे जाता है, वाटर भी जाता है ऐसे, ठीक है, पहले NaCl एक्सचेंज मतलब एब्जॉर्व हुआ, ठीक, तो इससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, फिर बीपी इंक्रीज हो गई, मींस हम जानते थे कि हम लो बीपी था, लो बीपी पे एक्टिवेट हुआ था, अब बीपी इंक्रीज करना था, बीपी इंक्रीज हो गया। दो मेन है बीपी के लिए, और भी मैं इसके वर्ब बता देता हूँ, ठीक है, एक होता है क्या बोलते हैं हाइपोथैलेमस पे, ठीक है, हाँ हाइपोथैलेमस पे, हाँ हाइपोथैलेमस पे होता है, और ये क्या करता है, ये प्यास थ्रस्ट, ठीक है, पानी पिएंगे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ओके, फिर ये ADH, ठीक है, जो पोस्टीरियर प्रोटी, एक्चुअली दो हार्मोन याद रखिएगा, पोस्टीरियर प्रोटी ट्री वाला बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, दो हार्मोन कौन कौन सा सोच लीजिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ओके। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिनल सेल इसके प्रिंसिपल सेल पे ये क्या किया, ये क्या है H2O रीअब्जॉर्प्शन, ठीक, कैसे वाया, याद है कुछ एक्वापोरिन, ठीक, V2 याद है वो सब चीज कंसेप्ट, तो ये मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, मेनली मैंने बीपी को रेगुलेट कर दिया है, बता दिया है, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ओके। एंजियोटेंसिन का ADH हो गया, बहुत सारे हैं, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलस पे, ठीक है, ग्लोमेरुलस पे, ठीक, ये क्या करता है सॉरी सॉरी, ये कंस्ट्रिक्ट एफरेंट एट्रियोल्स, ठीक, इसके वजह से एफरेंट एट्रियोल्स क्या करेगा, इसके वजह से प्रेशर जो होगा GFR पे वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट, एक और हो गया किडनी पे, किडनी पे क्या कर देता है ये PCT सेल्स जो होते हैं, PCT सेल्स, ओके, तो इसको क्या बोलता है ये, कब ये बोलेगा कि सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, वाटर H2O, ठीक, बाइकार्बोनेट HCO3-, ओके, ठीक। तो हम बीपी मेनली अब आते हैं फोकस बीपी पे, बीपी हम इंक्रीज किए, तो दो सिस्टम है, एक इंडोक्राइन सिस्टम, एक हार्मोनल, ठीक, तो ये आपको समझ में आएगा कैसे इंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है, ओके, और कैसे न्यूरल कंट्रोल करता है, ओके, मेनली इंडोक्राइन लो बीपी पे करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो मुझे आशा है कि आपको ये बहुत अच्छा कंसेप्ट और रेगुलेशन, ये अच्छा चीज़ फिजियोलॉजी का, ठीक है, जो काफ़ी काम आता है फार्मा में भी, पैथ में भी आएगा, ओके, तो थैंक यू सो मच।